अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जून 2020 में इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने टॉप 200 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को पब्लिश किया था। इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन से टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं। हमने इसमें दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को भी इंक्लूड किया है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, बट दे आर पॉपुलर इन इंडिया। 10th नंबर पर हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। इसका ये टॉप 200 NIRF की रैंकिंग में इंक्लूड नहीं है। इसके वाइस चांसलर है सैयद हैदर अली और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में और ये केरला के सिटी मलप्पुरम में है। 9th नंबर पर हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो है आलिया यूनिवर्सिटी। आलिया यूनिवर्सिटी भी टॉप 200 NIRF की रैंकिंग में शामिल नहीं है। इसके चांसलर है गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1780 में और ये वेस्ट बंगाल की सिटी कोलकाता में है। इसके बाद जो हमारे पास 8 नंबर पर यूनिवर्सिटी है वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। इसकी NIRF रैंक है 177। इसके चांसलर है फिरोज़ भक्त अहमद। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में और ये तेलंगाना के शहर हैदराबाद में है। 7th नंबर पर हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी NIRF रैंक है 170। इसके चांसलर है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। ये जम्मू एंड कश्मीर की सिटी पुलवामा में है। 6th नंबर पर जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इसकी NIRF रैंक है 158। इसके फाउंडर है सैयद अता हसनैन, चांसलर है। इसके बाद इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में और ये श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। इसके बाद हमारे पास जो 5th नंबर पर यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इसकी NIRF रैंक है 48। इसके चांसलर है गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में और इसे ये जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर शहर में है। 4th नंबर पर हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की NIRF रैंक है 29। इसके फाउंडर है मीर ओस्मान अली खान। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1918 में और ये तेलंगाना के शहर हैदराबाद में है। 3rd नंबर पर हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो है जामिया हमदर्द। इसकी NIRF रैंक है 21। इसके फाउंडर है हकीम अब्दुल हमीद। इसके फाउंडर है, इसे इस्टेब्लिश किया गया 1989 में और ये इंडिया के शहर साउथ दिल्ली में है। 2nd नंबर पर जो स्टेट है हमारे पास वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की NIRF रैंक है 17। इसके फाउंडर है सर सैयद अहमद ख़ान। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। ये उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज जामिया मिलिया इस्लामिया। इसकी NIRF रैंक है 10। इसके फाउंडर है नजमा हिब्तुल्ला। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में। ये इंडिया में है, इंडिया के शहर साउथ ईस्ट दिल्ली में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करना मत भूलें।